कहीं सास पतोह में झगड़ा, कहीं पिता पुत्र में, ननद भौजाई में, गोतनी में, गोतियारी में, जतियारी में, यड़ियारी में, बड़ियारी में, भैयारी। सास केकरा के जे जे पुत हौ के संगस ने लिए दे छी ओकरा के जे सास। यखा का सास पुत हो कच कच कर छे बाबा पापे मोटर साइकिल दे देल को मोटर साइकिल। उ सास के जमराज छे यखा का पुत हो जे सासवा के लहू बीवी जाय छे। सास को चाहिए पतेहू को बेटी समझें, पतेहू को चाहिए जितना आप अपनी माँ को मानते थे उतना आप अपनी सास को भी मान। सास को चाहिए पतेहू को बेटी समझे, पतेहू को चाहिए सास को माँ समझे। भगा दो जागो बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। आगू में रहना चाहिए दस टकिया बीस टकिया नहीं, चरणी सब चले जे सत्संग में आगू में बैठी जी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। बढ़िया भोजन बढ़िया भजन मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। अपने बोली को सुधार लीजिए, पतेहू का धर्म है कि सहनशील होना चाहिए। सास बोल ले तो सहीज में, ससुर बोल ले तो सहीज में, पतियो तनका बोली दल के तो सहीज में। अब सहय के मतलब ये नहीं कि खाली जितिया पर्व हम सहे छे, कत्ते जितिया में नहीं सह पारे छे। पूछल जाए छे दीदी क्या वजह पारना होते, सहला दे हम पेट दर्द ठीक ना। एक टा खीरा रखना रही हम आधा टा उसमें खा गया धेटा बचलो। जितिया में सही लल के सास जो कुछ बोली जाए तो धियाए गए, सास बोग जो बोलना चाहिए तो रसगुल्ला रंग के बोली बोलना चाहिए। तरकारी जो पुत हुआ है जड़ी गले तो सास के बोलना चाहिए कनियन बढ़िया तरकारी बनबो केना जड़ी गला 60 रुपया किलो करेली दल के एते महगो केना जड़ाई दलो। देखे जो साग सब्जी केनो महगो होलो छलो नहीं सफरे जो कनिया तो हमरा बोले थी बता दे थी ये नहीं बोलना चाहिए। अब तरकारी जड़ ले तो जड़ ले पुत हुआ कब कपार जड़ ले तब तरकारी बने ने जे तरकारी बनी ले झगड़ा। सास को प्यार से बोलना चाहिए कन्यान बढ़िया से बो तरकारी बनवा। पतेहू को बढ़िया से बोलना चाहिए माय है तंटा पानी के लिए न माय तो यहाँ चला गई बेसी तरकारी जरी गले माय अब ये न गलती न होते माय ये न है। पतेहू को बोलना चाहिए सहायक मतलब की खाली जितिया पर्व हम सहबो। सहायक मतलब जब सास के बोली सहन कर के, ससुर के बोली सहन कर के, पति के बोली सहन कर के, माथा में तेल न जे पानी से माथो पोछी ले के, रिबन न जे साड़ी पारची माथो बांधी ले के, दाल तरकारी नहीं बचले, निम्मक रोटी खा लेते, टच वाला मोबाइल नहीं छे नहीं है बटमे वाला से कम चलाए ला एकरा के जे सहबो सहनशीलता जिसके अंदर वे ही असली सीता है। काम पूरा होने पर जग में मन ही मन शर्माता है। चल चल हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामा। जीवन में
एक दूसरे का भलाई करके गुरु से युक्ति लेकर भजन करना चाहिए और भजन धर्म ही साथ में जाएगा। और क्या ले जाइएगा साथ?